दोस्तों इस वीडियो में फिर एक बार मैं आपके फायदे के लिए बात करूंगा, यानी कि अगर आपके पास अमेजोन पे है तो आपको क्या पता है कि अमेजोन पे के माध्यम से आप किस तरीके से रेल टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आप फायदा उठाएंगे, इसमें रिवार्ड भी मिल जाता है, कभी कभी उसमें आपको स्क्रैच कूपन भी मिल जाता है। सबसे पहले क्या करें, अमेजोन खोले, राइट हैंड साइड के नीचे तरफ आप देखें यहाँ तीन लाइनें आ रही हैं, उन पर आप क्लिक कर देना। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप वहाँ पर एक पेज पाएंगे अमेजोन पे का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन हम देखेंगे ट्रेन टिकट वाला। वैसे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्लाइट का है, बस का है, ट्रेन का है, मूवीज़ का है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रेन टिकट है उसको बुक करने वाले हैं। दोस्तों ट्रेन टिकट के ऑप्शन पे एक बार आप क्लिक कर देना। जैसे अब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप नया पेज पाएंगे। जब आप वहाँ पर नया पेज पाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर सर्च करने का, इतना तो आपको पता ही होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो आप यहाँ पे अपना स्टेशन सर्च कर लें, मैंने सर्च कर लिया है, डेट डाल दूंगा किस डेट में जाना है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप इतना सारा कर देना, इसके बाद फाइंड ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होगा और यहाँ पर कुछ ट्रेन्स दिखा रही हैं। दोस्तों इन ट्रेनों के माध्यम से आप अपनी जर्नी कर सकते हैं, लेकिन अकाल तख्त एक्सप्रेस में मैं अभी उदाहरण के लिए आपको रिजर्वेशन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं टैप टू व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप दबा देना, स्लीपर में जाना या जहाँ जाना। वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी बुकिंग करना है, मैंने वहाँ पर टैप टू व्यू किया और डेट जैसे आप देख पा रहे हैं उस डेट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। फिर प्रोसीड पे आप कर दें, यहाँ पर अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट 36 है, कन्फर्म भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप आईडी देखेंगे, आपसे आईडी मांगेगा, लेकिन मैंने पहले से आईडी इसमें डाल रखी है, आप अपनी आईडी डाल लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेवलर्स का नाम देख पा रहे हैं, पहले बुक किया था इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा, लेकिन इसको एडिट करने के लिए जहाँ एरो है वहाँ पर आप क्लिक कर देना तो आपका जो नया पैसेंजर है उसके लिए आप डिटेल फिल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अपनी डिटेल फिल कर दी है नए पैसेंजर के लिए और कन्फर्म चेंज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एनी बर्थ पे सिलेक्ट रहेगा, ऑलरेडी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे चूज कर दिया, नीचे स्क्रॉल डाउन करके गया, यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर आप कर रहे हैं किसी दोस्त का तो अपना नंबर हटा करके दूसरे का नंबर डाल दें, ईमेल अपनी ही पड़ी रहने दें। यहाँ पर देख रहे हैं पिन कोड है और आप इस तरह की यहाँ पिन कोड डालें, नीचे जाएँ पूरा एड्रेस भरें। मैंने पिन कोड डाला, एड्रेस भरा, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर एरो जहाँ वहाँ पर बॉक्स है उसमें टिक कर देना। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू रिव्यू, इसमें आप क्लिक कर देना। फिर इसके बाद देखेंगे आई रिमेम्बर माई पासवर्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पूरी डिटेल आप चेक कर लेना, नीचे जाना प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन का यूज करना। जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहां पर आपका जो टोटल रुपया कटेगा 557.70 रुपया कटेगा। यहां पर आपको ऑप्शन कई सारे दिख रहे हैं पेमेंट मोड वाले, किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। चलिए हम पे नाउ के ऑप्शन का यूज करते हैं और अपने ही किसी एटीएम या डेबिट कार्ड से पे कर देते हैं। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन का यूज करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके बाद आपका जो रेल टिकट है बुक हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपने देखा कितने ही आसान तरीके से बुक हो गया। आप देखेंगे मैसेज के माध्यम से यहां पर आपको PNR मिल जाएगा, PNR से आप अपने करंट स्टेटस को देख पाएंगे, ट्रेन किधर है या कंफर्म हुई सीट या नहीं हुई, इस तरीके से आप अपना पूरा स्टेटस जान पाएंगे PNR के माध्यम से। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो अमेजोन पे के माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मुझे खुशी होगी। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।